नाम नवीन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रॉकी क्लाउड। आज के इस वीडियो में आपको कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ तो नहीं दिखाने वाला, लेकिन दिखाऊंगा कि कैसे फ्यूचर फौजियों ने गांव के मैदान को साफ़ सुथरा किया। हाँ जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम मुकुंदपुरा के में कैसे छोटे छोटे बच्चे युवा साथियों ने मिलकर गाँव के ग्राउंड को साफ़ किया। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और यो होम ग्राउंड के सफाई अभियान चला दिया गया है गाँव के युवा साथियों के द्वारा। दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा होगा कि बारिश की वजह से ग्राउंड की सारी मिट्टी कट चुकी है। जहां पर 400 मीटर का ग्राउंड बनाया गया था, वहां पर बड़ी बड़ी घास और भी झाड़ बोझड़ी खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से गांव के युवाओं को काफ़ी दिक्कत होती है रनिंग करने में। इसके आस पास ये के 200 फुट चौड़ी सड़क भी बनाई गई है सरकार द्वारा, लेकिन उस पर रनिंग करना संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी व्हीकल चलते हैं। तो गांव के युवाओं ने और बच्चों ने डिसीजन लिया कि इस पूरे मैदान की सफाई करेंगे। ये आप सामने देख पा रहे होंगे, ये 200 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके पास में ये ग्राउंड बनाया गया है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है लेकिन इसकी हालत हो गई है बहुत ख़राब। ये आप सामने देख पा रहे होंगे कि पूरे ग्राउंड में झाड़ बोझड़ी उग गई है। इस सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम मुकुंदपुरा में कुछ महीने पहले ही क्रिकेट टूर्नामेंट भी हुआ था। उस समय मैदान की हालत बहुत अच्छी थी, लेकिन बारिश का सीज़न होने की वजह से इसमें काफ़ी पौधे उग गए, खरपतवार उग गई। लेकिन मैं सरपंच और पंचायत समिति से आग्रह करूंगा कि इस मैदान की सफाई करवाई जाए और इन युवाओं का भी साथ दिया जाए ताकि मैदान साफ़ सुथरा रहे। ये देखिए, काफ़ी मेहनत करके इसको साफ़ सुथरा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका भविष्य इस मैदान से जुड़कर आगे की ओर बढ़ता रहे। सरपंच साहब, आपको निवेदन यह है कि हमारे ग्राउंड मुकंदपुरा ग्राउंड में बहुत गंदगी हो रही है, कृपया इसे नरेगा के तहत सफाई की जाए। हमें रनिंग और खेलने में बहुत दिक्कत होती है। आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। सरपंच साहब से निवेदन है कि इस बच्चे की बात पर भी गौर करें।